हाय, आज हम ट्राई करने वाले हैं वियर्ड किचन आइटम्स। ये वाले इतने वियर्ड नहीं जितना यूजुअली करते हैं, बिकॉज यूजुअली हम करते हैं क्लब फैक्ट्री से, जो अभी हो गया है बैन। बट दैट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप अस फ्रॉम कंटिन्यूइंग द सीरीज। दिस एवरीथिंग इज फ्रॉम Amazon, एंड लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग फॉर मी इन द होल वीडियो, व्हिच इज अ बटर कटिंग आइटम। आई शो यू। तो ये बॉक्स में आया था, एंड दिस इज व्हाट इट इज शोइंग, के ये अच्छे से बटर को स्लाइस कर सकता है। एंड दिस इज द टूल, इसमें ऊपर बटर डालना होता है एंड बस इसको प्रेस करेगा तो स्लाइस हो जाना चाहिए। एंड इसके नीचे ऐसे ब्लेड वगैरह है। बॉक्स पे तो लिखा है दैट इट इज सेफ फॉर चिल्ड्रन एज वेल, बट नीचे हाथ गलती से भी नहीं जाना चाहिए, बिकॉज द ब्लेड इज ऑफ कोर्स गोइंग टू बी शार्प। तो इसमें बटर डाल के देखते हैं। यहाँ पे हमें बटर डालना है। मेरे पास एक्चुअली ये वाला बटर है, इसमें आई गेस वो फॉरेन वाले बटर स्टिक्स होते हैं, बट मेरे पास तो घर पे फिलहाल यही है। ओहो, ये तो इसमें डायरेक्टली जाएगा भी कि नहीं। ओ गॉड, नाइफ से ना स्लाइस करना पड़ेगा इसको। मैं ना इसको सेफ्टी के लिए इतना ही काट रही हूँ। नाउ दिस शुड डू। ओके, मेरे हाथ बहुत गंदे हैं, सालों बाद बटर खा रही हूँ। अभी स्लाइस करके देखते हैं, ठीक है? 1, 2, 3। ओह, कुछ हुआ ही नहीं। ओह, अम्मा कह रही है कि बीच में अटक गया होगा। नीचे तक पहुंचा तो है। नहीं, मैं इसको पुश करके देखूं ऊपर से। मैं ना इंस्ट्रक्शंस एक और बार पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैंने कुछ गलत किया है। इसमें तो सिर्फ इतना ही बताया है कि अंदर बटर डालना है, नीचे की प्लेट को कुछ करना है या नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो द जीनियस कैमरा वुमन पीछे, मेरी मम्मी, उन्होंने बोला कि नहीं, कुछ अपन गड़बड़ कर ही रहे। तो अंदर से हमें मिला इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जिसमें लिखा था कि हमें ये चीज जो अंदर थी वो निकालनी थी, एंड फाइनली हम निकाल चुके हैं। अब ये थ्रू एंड थ्रू खाली है, लाइक यू कैन सी मी फ्रॉम हियर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बटर, जो पूरा बाहर निकल गया। ओ गॉड, क्या चीज है ये। ओके, बटर यहाँ तक तो पहुंच गया है। मेरे हाथ इतने गंदे हैं एट दिस पॉइंट। ओके ठीक है, आई थिंक दिस विल वर्क। रेडी, 1, 2। फाइनली की बार होगा। ओ, स्लाइसेस हुए हैं पर गिर नहीं रहा है, मे बी बिकॉज बटर मेल्ट हो गया है। 3 स्लाइसेस हुए हैं, जितनी बार दबाए उतने 3 स्लाइसेस तो है। मेरा चौथा, वाव, आई मीन ये ना बस गिर नहीं रहा है। ओहो, अभी तो ये इसी में चिपक रहा है। मम्मी कह रही है मुझे साफ करना पड़ेगा, बट ये चिपक रहा है। आई थिंक इसको फ्रिज में डालूंगी तो शायद थोड़ा बेटर हो जाए, बट मम्मी ये चीज मुझे फ्रिज में डालने देंगी नहीं, क्योंकि इनका फ्रिज भी खराब हो जाएगा। ये फिट करना काफी मुझे डेंजरस लगा, बिकॉज आई हैड टू कॉन्स्टेंटली होल्ड दिस ऐसे, बट लेट अस ट्राई दिस। और ये रहा कोकोनट, आई थिंक इसको ऐसे ही करना है, बट आई पुट दिस इन द प्लेट। तो कोपरो बार छोड़ लो, उबार रहे, उबार रहे। पहले मैं इसको सील कर देती हूँ नीचे, नहीं हो रहा है, प्लेट पे करके पहले इसको कर देते हैं लॉक। ये ना किचन के फ्लोर पे करके देखते हैं, मुझे लगता है जब तक स्टिक नहीं होगा बराबर तब तक कैसे होगा, बट इधर सक्शन तो नहीं है। इसको मैं पहले एकदम मार्बल फ्लोर पे सील करना है, जो मुझसे हो नहीं। हाँ, अब जाके ये हिलेगा नहीं, एकदम सॉलिड हो गया है। अब लेट्स ट्राई। हो, इतना जोर लगाने के बाद इतना निकला है। मलाई जैसा टेस्ट है, बिकॉज ये ड्राई नहीं हुआ है अभी तक कोकोनट।
ये फास्ट फॉरवर्डेड क्लिप नहीं है, ये रियलिटी में इतना फास्ट घूम रहा है। यार इस पर ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है कि ये सिर्फ ड्राई कोकोनट पे चलेगा, बट इट इज वेरी हार्ड वर्किंग। आई डोंट नो कि नॉर्मली कोकोनट को ग्रेट करना कितना मुश्किल होता है, बट ये पर्सनली मुझे काफी डिफिकल्ट लग रहा है, तो आई गिव दिस अ थम्स अप बिकॉज इट डज वर्क, बट आई एम नॉट श्योर कि इजी है कि नहीं। मतलब डू यू नो ऑफ एन इजियर वे टू गेट कोकोनट आउट? इफ यू डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो सो दैट वी कैन ट्राई और वी कैन ऑर्डर अनदर वियर्ड आइटम फॉर वर्किंग विद कोकोनट। Let's see what the next weird item is. Next weird item है ये sink organizer, जिसको समझने में मुझे 2 मिनट लगा कि why is this weird? इसको तो सिर्फ रखना है, but इसके अंदर एक inbuilt soap dispensing area है, तो वो अपन try करके देखिए। So this is the before. Currently हमारा सब बर्तन धोने का सामान ऐसे पड़ा है एंड देखते हैं कि इसको लगाने से क्या ये एरिया और बेटर होता है कि नहीं। तो इसमें ये फोटो दिया गया है, इसके बेसिस पे आई एम गोइंग टू ट्राई टू यूज इट। मुझे लगता है कि इधर ये जाएगा, इसमें साबुन डालना है एंड देन इसमें ये डालना है, ऐसा आई थिंक। तो लेट्स ट्राई, तो ये इतना महंगा आता है ना, और बाकी का पानी। ओके, ये लग रहा है कि बैठ गया है। अब इसके एक साइड पे डालते हैं ये कॉइल और दूसरे साइड पे ये वाला रख सकते हैं। एंड अब इसकी जरूरत है नहीं वहां पर रहने की। तो ये है अपना नया अरेंजमेंट, एक बर्तन धो के देखते हैं कि इफेक्टिव है कि नहीं। तो इसको पहले करते हैं गीला, पहले का थोड़ा खाली रहता है तो वो टाइम लगता है आने में काफी टाइम लग गया इसको। तो आई थिंक इसमें इनफ गया नहीं है साबुन, अब तो आना चाहिए इसमें से। लेट्स सी, आया। यस इट डज वर्क, चला चक। तो इज इट मच मोर कन्वीनियंट देन अदर थिंग्स? अ लिटिल बिट, मतलब आई गिव दिस अ थम्स अप बिकॉज इट लुक्स वे बेटर। मतलब अच्छे से सब ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो इट कैन लिटरली लिफ्ट अप द लुक ऑफ योर किचन। एंड द पंप इज मोर कन्वीनियंट, क्योंकि ये हर बार कितना कौन खोल के डालता है, तो द पंप इज डेफिनेटली कन्वीनियंट। तो आई थॉट कि इतना खास नहीं है, बट एक्चुअली ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तो दिस डज गेट अ थम्स अप। पर यहाँ पे ही रहता है बिकॉज द नेक्स्ट आइटम इज ऑल्सो रिलेटेड टू वॉशिंग डिशेज, एंड आई थिंक कि लॉकडाउन में सबने ट्राई कर लिया होगा, बट जिन्होंने ट्राई नहीं किया ये आइटम उनको बहुत पसंद आने वाला है। नेक्स्ट आइटम है ये ग्लव्स। ऐसा हर बार पहन के मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे करूं कि कितना बबीता अखाड़े में आ गया है। तो इस पे ऐसे छोटे छोटे डॉट्स है, तो आई थिंक इनिशियली इसका पर्पज था पेट्स को ऐसे सराहना, मतलब उनको थोड़ा खुजली भी हो जाएगा एंड दे माइट बी फीलिंग गुड, आई थिंक बिकॉज ऐसा मैंने ऑनलाइन पढ़ा था कहीं तो। बट अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन यूजिंग इट टू वॉश डिशेज इंक्लूडिंग मी, पर इसमें साबुन बहुत ज्यादा लगता है, दैट्स माई रिव्यू फ्रॉम लाइक 3 मंथ्स ऑफ यूजिंग इट अ लॉट। पर आज मैं आपको करके बताती हूँ कि कैसे करना होता है। तो सपोज तो अगर लिक्विड सोप यूज करें तो डायरेक्टली आप डाल सकते हो पंप एंड बस घिस, और अगर टिकिया यूज कर रहे हो तो उसको थोड़ा गीला एंड देन उसमें मैं तो डैप करती थी जब तक मेरे ग्लव्स पे साबुन न है एंड देन ऐसे। तो इससे वॉश तो अच्छे से होता है, बट इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, मतलब कंपेयर टू द नॉर्मल थिंग इट टेक्स अ लॉट मोर टाइम। आई डोंट नो व्हाई एग्जैक्टली, बट लगता है बिकॉज आई ऑफर्ड लगाता है टू यूज इट, बट शी इज जस्ट फास्टर विद दैट, सो शी प्रेफर्स दैट। तो आई डिड गिव हर अ हैंड क्रीम बिकॉज इन लॉकडाउन आई रियलाइज कि सिर्फ एक टाइम के बर्तन करके भी, व्हिच इज व्हाई आई वॉट दीज ग्लव्स, कि मेरे हाथ पे डायरेक्टली सोप ना लगे। सो दीज आर डेफिनेटली गुड इफ यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट योर हैंड्स फ्रॉम हार्श सोप। इफ यू डोंट प्रेफर यूजिंग इट, मेक श्योर यू यूज सम काइंड of hand cream because the soap is very very harsh for the skin, but this is a thumbs up product. Let's move on to the next one. Okay, next item is this, जो मैंने बहुत देखा इंटरनेट पे, बट आई एम ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, वेरी एक्साइटेड एक्चुअली। दिस इज अ सेट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6 कप कवर्स। वेल मैं बोल नहीं पा रही, बट बेसिकली दिस इज सपोज टू कवर योर यूटेंसिल्स अगर कुछ खाना बच गया हो या कुछ ढकना हो, एंड अगर आपको उस साइज की प्लेट ना मिले तो आप इसको यूज कर सकते हो। ओके लेट्स स्टार्ट,
सबसे पहले छोटा वाला एक कप पे डाल के देखते हैं, बेसिकली एक मग पे। अगर कॉफी वॉफी बच गई हो या चाय और थोड़े टाइम बाद पीनी हो, वाओ दिस इज कूल। और फिर इसके मदद से खींच भी सकते हैं नीचे। इसमें ना पानी डाल के देखते हैं कि ये लीक प्रूफ है कि नहीं, बिकॉज दैट इज द रियल डील। ऐसा लग रहा है स्विमिंग के टाइम पे जो शावर कैप पहनते हैं ना, उसमें ऐसा ही करना पड़ता है। ओके रेडी, 3 2 वाओ, एक बूंद नहीं गिरा है। मैं तो मम्मी को बोलने वाला था कब से फ्रिज में सारी आइटम के ऊपर लगा रहा हूँ, बिकॉज द नंबर ऑफ टाइम्स मैंने दूध गिराया है, मैंने क्या क्या गिराया है फ्रिज में, और फिर बहुत डांट पड़ी है। तो दिस इज क्वाइट कूल। बाकी साइजेस पे लगा के देखते हैं कि व्हाट इज द बिगेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट। इस सेट में सबसे बड़ा ये आया था, एंड इवन दो ये राउंड है, एक स्क्वायर बोर्ड पे ट्राई करके देखते हैं कि ये कितने अच्छे से दूसरे शेप्स पे भी बैठता है कि नहीं। तो ये ना साइड्स में से तो नहीं बैठ रहा बराबर। इज गिविंग मी सॉल्यूशंस फॉर एवरीथिंग। शी सेड कि ये बड़ा है इसलिए नहीं बैठ रहा है। छोटा वाला ट्राई करके देखते हैं। पहला था ना बहुत बड़े वेस्ट पीवाए, तो नहीं फट गया। मम्मी के प्यारे प्यारे नाखून जो हमसे काफी ज्यादा सुंदर है, जाने दो, मैं तो कह रही हूँ बोल टूट जाएगा इसके चक्कर में। वाओ वाओ, यही है वो इंसान जिसने नामुमकिन को मुमकिन करा दिया। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कैसे किया यार, एकदम परफेक्टली किया है, वाओ। नेक्स्ट आइटम है ये, जो आई थिंक मैंने मालविका के वीडियो में सबसे पहले देखा था कि दीस थिंग्स कैन बी पुट इन द फ्रिज टू ऑर्गेनाइज, एंड आई डिडंट नो कि मेरे वाले एडजस्टेबल भी है। आई नो राइट, यू कैन एक्सपैंड इट, देयर इज मोर स्पेस। सो चलो फ्रिज में लगा के देखते हैं कि कितना यूजफुल है या यूजफुल नहीं है। तो ये शेल्फ पे अपन लगा के देखते हैं। ये ना थोड़ा होल बंद करना थोड़ा ये है, और इसके बाजू में तो एक और आ जाएगा, और एक वाला तो यहाँ पे भी नीचे भी आ सकता है। यस वाओ, इसको भी अगर मैं थोड़ा सा खोलूं, वाओ इतनी एक्स्ट्रा स्टोरेज। मतलब सपोज अगर ऐसा ही बेचारा कैप्सिकम अकेले पड़ा है तो आप इसको निकाल के इसमें डाल के रख सकते हो। फिर अगर चिलीज डालनी है तो ऐसे रखने के बदले आप इसके ही अंदर डाल सकते हो। अभी मैं पूरा बोल ही डाल सकती हूँ। तो शेल्फ पे कितनी एक्स्ट्रा जगह हुई ना, शेल्फ पे ज्यादा एक्स्ट्रा जगह मिल गई यहाँ की। यहाँ पे क्वाइट नाइस, दिस वन ऑल्सो गेट्स अ थम्स अप। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये वीडियो इतना अच्छा जाएगा कि सारी चीजें वर्क करेंगी। थोड़ी फ्रिज की हवा खा लेते हैं। फ्रिज खोलो और बिना खाए वापस जाओ, ऐसा कभी होता है? मेरे औरत ना बहुत नीचे बट दिस वॉज मी टेस्टिंग लिटिल वियर्ड किचन आइटम्स। आई एम सॉरी ये टाइम इतने वियर्ड आइटम्स नहीं मिले, बट इफ यू वॉन्ट अ पार्ट 3, पार्ट 4, आई गेस अ पार्ट 5 ऑफ दिस वीडियो, देन यू हैव टू हेल्प मी इन द कॉमेंट सेक्शन बाई लीविंग द लिंक ऑफ मोर वियर्ड आइटम्स फ्रॉम Amazon, एंड देन आई विल मेक अनदर पार्ट फॉर दिस। सो इफ यू एंजॉय वॉचिंग दिस सीरीज, गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर फ्यूचर एपिसोड्स। इफ यू डिड नॉट एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो, देन गिव इट अ थम्स डाउन बिंदास, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट योर ऑनेस्ट ओपिनियन। आई विल सी यू इन अ ब्रांड न्यू video very very soon. Until then, goodbye. So much I can find my way. We got everything here.